नोटिस जारी किया है। एससी ने पूछा है इच्छा मृत्यु पर आपका स्टैंड क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस भेजा है। हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, किस मामले की बात हो रही है और आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है? देखिए, पैसिव यूथनेशिया को लेकर टोटल बात हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने सारी स्टेट से ये पूछा है कि आखिर उनका इच्छा मृत्यु को लेकर स्टैंड क्या है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट ए अंगा अर्जुना को इस पूरे मामले में एमाइकस क्यूरी भी बना दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस मांग को दरकिनार कर दिया जिसमें केंद्र सरकार ने आज मामले की सुनवाई के दौरान संवैधानिक पीठ के सामने कहा था कि ये मामला विधायिका का है, लिहाजा इस मामले को पार्लियामेंट को सौंप देना चाहिए, इस मामले को पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट सभी राज्य सरकारों से जानना चाहता है कि आखिर इच्छा मृत्यु को लेकर, पैसिव यूथनेशिया को लेकर उनका स्टैंड क्या है। यानी कि आशीष, ये माना जा सकता है कि निर्णायक फैसला लेने के लिए एक तरह से कंसेंसस लेने की कोशिश कर रहा है सुप्रीम कोर्ट? हाँ, जाहिर तौर पे, क्योंकि स्टेट विधानसभा में वही लोग जाते हैं जो जनता के चुने हुए नुमाइंदे, जो जनता के चुने हुए नेता होते हैं। तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये श्योर करना चाहता है कि आखिर स्टेट इस पूरे मामले में क्या सोच रही है, क्योंकि अभी तक सेंटर इसको पूरी तरह से अपोज करती आई है। सेंटर का कहना है कि हम इसको अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम पैसिव यूथनेशिया को अलाउ करते हैं तो आत्महत्या के समान होगा। बहरहाल देखने लायक बात यह होगी किसमें स्टेट का क्या रुख है। लेकिन एक चीज ये भी पूछने वाली बात हो गई कि ये जो पूरा मसला है ये संविधान से ताल्लुक रखता है, ऐसे में राज्य सरकारों की राय की कितनी अहमियत होगी इस मसले पर? देखिए, जाहिर तौर पे ये पूरा मामला कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। देखिए, अभी तक भारत में पैसिव यूथनेशिया जो है वो अलाउ है। पैसिव यूथनेशिया में डॉक्टरों की एक टीम का गठन किया जाता है जो हाईकोर्ट के सामने प्रस्ताव रखती है कि इस व्यक्ति के बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है, और उसके बाद हाईकोर्ट रिकमेंड करता है, उसके बाद पैसिव यूथनेशिया के तहत फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अभी बात एक्टिव यूथनेशिया पे चल रही है कि क्या कोई व्यक्ति जीवित रहते हुए अगर उसको लगता है कि अब मेरी बचने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है तो क्या वो इच्छा मृत्यु ले सकता है कि नहीं, ये एक बड़ा मसला है जिस पर राज्य सरकारों की राय सुप्रीम कोर्ट इसलिए ले। बहुत शुक्रिया आशीष।